आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक क्यूब निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, तो ही आपको किसी भी नंबर का आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, इजी वे में और फास्टली भी निकाल सकते हैं। ओके, 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद रहेगा तो आपको ईजी रहेगा किसी भी नंबर का क्यूब निकालने में। ओके, तो चलिए ये ट्रिक काम कैसे करती है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन है 33 का क्यूब निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग थ्री का क्या होता है, थ्री का क्यूब क्या होता है, फर्स्ट नंबर का 27 होता है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ थ्री का क्यूब क्या होता है 27, बीच में हम जगह छोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, थ्री का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, थ्री का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 3 27, यहाँ 27 लिख देंगे। ओके, 9 3 क्या होता है यहाँ पर 27। ओके, 27 हो गया। अब इस जो भी नंबर हम बीच में लिखे हैं, इसका क्या करेंगे, हम डबल करेंगे, तो 27 का डबल क्या होता है 54 होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 की 7 कैरी जो है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 27, ये जो ऐड करेंगे तो कितना हो 27 7 2 9 9, 14 का 3 कैरी 1, 5 2 7 कैरी 8, यानी 83 का 3 कैरी यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको ऐड करेंगे 27 प्लस 54 और कैरी 8, 8 7 15 15 4 19 19 का 9 कैरी 1 हो गया, 5 2 7 8 89 की 9 कैरी यहाँ पे 8 हो गया, और 27 में हम 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 35 हो जाएगा, यानी हमारा 33 का क्यूब क्या हो गया, 33 का क्यूब हो गया 35937, 35937 इज द राइट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, जैसे मैं 63 का क्यूब निकालना है, क्या करना है 63 का क्यूब निकालना है। इसको हम लोग फर्स्टली कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, 6 का क्या करना है, 6 का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, बीच में स्पेस छोड़कर हम यहाँ पे 8 लिख दिए। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 36 2 क्या होता है 72 होता है, हम 72 यहाँ पे लिख देंगे, और 64 क्या होता है 24 होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। ओके, तो क्या करना है, 64 क्या होता है 24 होता है, हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। ओके, 24 लिख दिया, अब इसका डबल कितना होता है 24 का, 2 से मल्टीप्लाई 24 जाए 2 2 4, इसका डबल 2 2 4, 2 4 2 7 2 2 4 2 7 14। ओके, अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 की 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 हो गया। ओके, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 कैरी 7 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 2 6 6 7 13 का 3 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1 हो गया यहाँ पे, 14 7 कितना हुआ 21 हुआ, 21 में कैरी जोड़ेंगे 22 हुआ 22 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐड करेंगे, क्या करें 6 2 8 1 की 6 2 6 8 2 1 3 2 की 2, ये हमारा क्या हो गया, इसका ये क्यूब हो गया 62 का 2 3 8 3 2 8, 62 का क्यूब क्या हो गया 2 3 8 3 2 8, ये इसका क्यूब हो गया। ओके, आप कैलकुलेटर से इसका आंसर किसी भी नंबर का आप क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्यों, जैसे मैं 86 का क्यूब निकालना है। ओके, 86 का क्यूब निकालना है, तो इसको हम लोग फास्टली कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है 8 का क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। ओके, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, अब इसका स्क्वायर क्या होता है 64, 36 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 64 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 24 कैरी 2 6 6 36 2 38, 384 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 36 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, 36 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 8 4 48 कैरी 4, 8 3 24 24 में 4 ऐड करें 28, यानी 288 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग डबल करेंगे, यानी 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 384 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 8 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 3 6 कैरी 7 हो गया, 768 हुआ, क्या हो गया 768 हुआ। अब 288 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 8 16 कैरी 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4 कैरी 5, यानी 500 क्या हुआ 576। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो 6 की क्या हो गया 6 की 6 ये 21 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 21 और 288
21, 288, 500 यहाँ पे हम बीच में स्लैश दे देंगे ताकि कोई भी नंबर ऐड करने में प्रॉब्लम ना होगी। ओके क्या करेंगे अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, वरना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 281, 288 में 576 ऐड करेंगे और जो कैरी होगा उसको ऐड करेंगे, तो इन दोनों तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 885 होगा। 885 का 5, ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे 88 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड किए तो 885 हुआ, 885 का 5 88 यहाँ पे कैरी हो गया। अब 384 प्लस 768 प्लस 88, ओके इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1240, ओके 1240, तो यहाँ पे 0 हो गया और 124 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके अब इसको ऐड करेंगे, 42 क्या हुआ 6, 213516, ये हमारा आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया 636056, ये हमारा आंसर हो गया 86 का ये क्यूब हो गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं, जैसे मैं आपको, आप इस टाइप का टू डिजिट का नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर इसी नंबर को हम लोग पॉइंट में बोलते हैं, जैसे मैं 1.4 का क्यूब निकालना है, ओके 1.4 का क्यूब निकालना है तो इसको बहुत बच्चे को ये क्यूब आ जाएगा निकालने, स्क्वायर भी नहीं आ जाएगा, और पॉइंट में अगर दे दिया जाए क्यूब निकालेंगे तो बहुत बच्चे को नहीं आएगा, इसलिए इसका भी एक आसान तरीका है। ओके इसका भी बहुत ईजी मेथड है, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है इसको हम लोग डेसिमल में है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके 1.4 हुआ, इसको हम लोग डेसिमल कन्वर्ट किए तो ये 1 हुआ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 10 लगा दिए, ये जो क्यूब है क्यूब हो गया। ओके अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है 14/10, इसका तो हम लोग क्यूब आसानी से नहीं आया, तो 14 को 3 बार लिखना है, 10 को 3 बार लिखना है। ओके ओके अब कैंसिल आउट करके भी आंसर ला सकते हैं, मैं दोनों मेथड से आपको आंसर ला के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको आंसर ला के दिखा रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है 14 का क्यूब, यही मेथड से सेम टू सेम आपको इसको इसका क्यूब निकालने के लिए सिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है 4, यहाँ 14 है, ओके जैसे मैं यहाँ पे 14 है तो 14 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ओके 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके तो सबसे पहले क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 1 जा 4 16 1 जा 16, इसका 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, 16 का डबल 32 होता है, अब इसको ऐड करेंगे 64 की 4 कैरी यहाँ पे 6 हो गया, 6 6 12 12 2, 14 का 4 कैरी 1 हुआ, कैरी 1 3 1 4 5 यहाँ पे कैरी 5 हो गया। ओके क्या हो गया कैरी 5 हो गया, 5 9 5 4 9 9 8, 17 का 7 कैरी 1 हो गया, 1 1 कैरी 2, यानी 2 7 4 2744, ये 14 का क्यूब हो गया, क्या हो गया 14 का क्यूब हो गया, क्या हो गया 2744 10 का क्यूब क्या होता है 10 1 लिख देंगे 30 लिख देंगे, ये हमारा 10 का क्यूब हो गया। ओके ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको जैसे इसको इसको और अलग मेथड से करना है, इसको कटाना है कैंसिल आउट करना है, सबसे पहले क्या करना है 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको 7 में 7 से अब कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 को 3 times मल्टीप्लाई करना है। ओके 5 को 5 times इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 49 में हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 49 में 7 से मल्टीप्लाई 6 63 कैरी 6, 7 7 4 जा 28, 28 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 28 में 6 ऐड करें 24 आ जाएगा। ओके क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, 28 में हम 6 ऐड किए तो क्या आ जाएगा 34, यानी हमारे आंसर क्या आ जाएगा 343 हो गया। और 5 का 5 5 5 जा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 25 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 5 जा 25, कैरी 2 5 2 जा 10, कैरी 12, ओके 5 5 जा 25, कैरी 2 5 2 जा 10, 10 2 12, तो क्या हो गया 125 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके ओके ये दो आंसर आ गया, इसका भी ये भी दोनों करेक्ट है। ओके पर हमको ये ज़्यादा नहीं लॉन्ग करके हम इसका ये सिंपल वे में कर सकते हैं। ओके आप जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ओके उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्यूब निकालने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।